राहुल गांधी की सियासी समझ किसी से छिपी नहीं है। कोरोना काल में वे अपने गरीब और मजदूर प्रेम का खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बार बार सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि तत्काल देश के 50% गरीबों के खाते में 65,000 करोड़ ट्रांसफर कर दें, नहीं तो बेरोजगारी की सुनामी आ जाएगी। राहुल गांधी इन दिनों हर बात को सुनामी से जोड़कर देख रहे हैं। लॉकडाउन खोलो, नहीं तो अर्थव्यवस्था में सुनामी आ जाएगी। टेस्टिंग बढ़ाओ, नहीं तो कोरोना की सुनामी आ जाएगी। और अब पैसे दो, नहीं तो बेरोजगारी की सुनामी आ जाएगी। असल में चुनावी सुनामी झेल चुके राहुल को हर कहीं सुनामी दिखती है, इसलिए कभी वे सोचते हैं कि जितनी रकम वे गरीबों को देने के लिए कह रहे हैं, उससे ज्यादा रकम केंद्र सरकार गरीबों को दे चुकी है। सरकार गरीबों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के पीएम गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा कर चुकी है। इसमें से करीब 39 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 34,800 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। जहां तक पूरे वित्त वर्ष की बात है, तो फूड, एलपीजी, केरोसिन, फर्टिलाइजर, सब्सिडी के लिए पहले से ही 2,27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो इस साल करीब 4 लाख करोड़ का प्रावधान सिर्फ गरीबों और किसानों के लिए है। इसमें से खाद्य सब्सिडी के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपए, एलपीजी और केरोसिन सब्सिडी के लिए 40,915 करोड़ रुपए और फर्टिलाइजर के लिए 71,309 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खाद्य सब्सिडी पीडीएस के जरिए मिलने वाले खाद्यान्नों के लिए है, तो एलपीजी और केरोसिन सब्सिडी का अधिकतर हिस्सा रसोई गैस के सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी में खर्च होता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का उपयोग किसानों को सस्ता रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने में होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को लॉकडाउन के दंश से राहत के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत करीब 39 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की मदद से अब तक 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 819 करोड़ लाभार्थियों को पहली किस्त के तौर पर 5 मई तक कुल 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। केंद्र से वित्तीय मदद के रूप में इनके खातों में सीधे 2,000 रुपए आ जा चुके हैं। इसी तरह 2,005 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की पहली किस्त के तौर पर 10,025 करोड़ रुपए भेजे गए। इनमें से करीब 872 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खातों में से पैसे निकाले भी जा चुके हैं। 557 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते की दूसरी किस्त के तौर पर कुल 2,785 करोड़ रुपए भेजे गए। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 282 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1,400 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पहली किस्त के रूप में 500 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई। 500 रुपए की दूसरी किस्त इस महीने के दौरान खाते में पहुंचा दी जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 6,765 लाख टन खाद्यान्न उठाया। अब राहुल गांधी को सब जोड़कर देखना चाहिए कि वे जो मांग कर रहे हैं, मोदी सरकार उससे कहीं ज्यादा अब तक गरीबों को दे चुकी है, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।